हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आदित्य एंड तन्वी ब्लॉग। अब हम आपको बताएंगे टाटा पंच के 5 नेगेटिव पॉइंट। पॉजिटिव तो बहुत ज्यादा है, 5 नेगेटिव बताऊंगा और कुछ पॉजिटिव बताऊंगा। पॉजिटिव है बहुत ज्यादा, बट 5 नेगेटिव पॉइंट है जिसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। सो, गाड़ी की जो नेगेटिव पॉइंट है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है, तो सबसे पहला तो इसका डोर हैंडल, यहाँ पे दिखाइए, ये लॉक अनलॉक का जो सिस्टम है ना, यहाँ पे लॉक हो रहा है, ये अनलॉक हो गया। अभी जरा भी हाथ लगा अगर ऐसा तो खुल जाता है, अभी खुल चुका है दरवाजा। ये सिस्टम थोड़ा सा टाटा ने ध्यान देना चाहिए था, ये एक नेगेटिव पॉइंट है मेजर जो मैंने नोटिस किया हुआ है। तो अगर आप सोचिए, पीछे बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ पे लिखा है बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे, और आपने चाइल्ड लॉक नहीं किया, अगर आपके साथ बच्चा है तो जरूर चाइल्ड लॉक कीजिए। वो जरा भी हाथ लगा दिया चलती गाड़ी में, दरवाजा खुल गया, ये खुल चुका है, तो ये रिस्क हो सकता है। ये एक चीज मुझे थोड़ी नेगेटिव लगी, पहला पॉइंट। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है इसका, केबिन लाइट, ये बहुत ही सेंसिटिव है। अभी चालू हो गया, मैं इसको बंद कर दिया, अभी हो गया, ये मन मर्जी है। अगर गेट खुला है, अभी देखिए दरवाजा, ये लाइट चालू हो गई, अब मैं बंद करूंगा, ये चालू ही रहेगा काफी टाइम तक। आज इसका मूड ठीक है, ये हो रहा है, नहीं तो काफी टाइम तक ऑन ही रहता है। तो दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इसका केबिन लाइट, बड़ा सेंसिटिव है, इसके बटन्स भी बड़ा एकदम अच्छी क्वालिटी के नहीं दिखते हैं। तीसरा पॉइंट जो इसका नेगेटिव है वो इसका है बॉडी रोल। चूंकि ये बॉक्सी डिजाइन है, एसयूवी मिनी एसयूवी है, तो बॉडी रोल तो होगा, बट वो कभी कभी अगर आप सेडान पहले चलाए हो, सेडान आपने यूज किया है, तो आपको ज्यादा फील कराता है, बॉडी रोल है गाड़ी में, तीसरा नेगेटिव पॉइंट है। चौथा नेगेटिव पॉइंट की मैं बात करूं तो सिंगल इंजन का, इसके बारे में बात करते हैं बोनेट खोल के आगे से, आइए आपको दिखा। सो नेगेटिव पॉइंट की बात करूं, मैंने बोनेट खोल रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें सिंगल इंजन ऑप्शन आता है ना, इसमें टर्बो आता है ना डीजल इंजन आता है, और सीएनजी की बात चल रही है, ईवी की बात चल रही है, आई डोंट नो क्या फैक्ट है। इसमें 1.2 लीटर का रेवट्रॉन 3 सिलेंडर इंजन आता है जो स्टैंडर्ड है, और कोई इंजन ऑप्शन नहीं मिलता। जैसे आप मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप नेक्सॉन के लिए जाते हो तो आपको वहां पे टर्बो इंजन भी मिल जाता है, आई टर्बो डीजल इंजन भी मिल जाता है, और नॉर्मल भी मिल जाता है। तो यहाँ पे नेचुरली एस्पिरेटेड 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन इंजन इसमें मिलता है। ये भी एक नेगेटिव लगा, इसमें अगर टर्बो इंजन आता या डीजल आता तो बहुत अच्छा होता, एक एड ऑन पॉइंट होता था, बट वो इस गाड़ी में नहीं मिलता है। बता दिए, 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। पांचवा पॉइंट की बात करते हैं गाड़ी के अंदर। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया डोर लॉक का इशू है, दूसरा पॉइंट है केबिन लाइट का इशू है, तीसरा है मैंने आपको बता दिया बॉडी रोल, चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया इंजन का, इंजन ऑप्शन इसमें एक ही मिलता है। पांचवा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट नहीं मिलता। आप टॉप मॉडल ले लो, बेस मॉडल ले लो, कोई भी मॉडल ले लो, IRA पैक ले लो, आपको रियर एसी वेंट नहीं मिलता है। ये 5 नेगेटिव चीजें मुझे लगी। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गर्मी हो रखी है। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स है। गाड़ी आपको बजट में मिल जाती है, 5.87 लाख में 1 शोरूम में आपको ACPU का लुक मिल जाता है, आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, आपको 2 एयरबैग मिल जाते हैं, आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, काफी कुछ चीजें है, अच्छी साइज की गाड़ी मिल जाती है, मिनी SUV मिल जाती है, लुक बहुत बढ़िया है, रोड पे प्रेजेंस बहुत बढ़िया है। तो पॉजिटिव की जितनी बातें करूं कम है। सो बजट कार, बजट में आपको SUV मिल जाती है, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है जो बहुत बढ़िया बड़ा पॉइंट है, स्पेसियस कार मिल जाती है, मैंने सारे वीडियो में दिखाया। अगर आपको नहीं मिला है तो आप जाके हमारा डिटेल रिव्यू वाला वीडियो आई बटन पे देख लीजिए। सफिशियंट बूस्ट स्पेस मिल जाता है 337 लीटर का, तो अगर आप फैमिली के साथ कहीं जा रहे हो तो आपका सारा लगेज उसमें आ जाएगा। रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है, तो काफी पॉजिटिव पॉइंट है, बट मुझे जो निगेटिव लगा वो मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको अगर टाटा पंच रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए। अब तक हमने 100% क्वेश्चन के आंसर किए हुए हैं। अगर आपके कुछ भी सवाल है तो प्लीज पूछिए कमेंट में, हम उसका जवाब, उसका आंसर जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आदित्य एंड तन्वी ब्लॉग। स्टे ट्यून्ड विद अस।